हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ पूनम्स मिनी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप परफेक्ट होंगे, एकदम फिट होंगे, फाइन होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 8:30 बज रहे होंगे मॉर्निंग के, और दिल्ली में 4 से 5 दिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तेज़ बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन ठंडा बहुत हो गया है। कंटिन्यू इस तरह से मौसम रहता है, जब धूप नहीं निकलती है तो बहुत ठंडा हो गया है उसी वजह से। और ये है मेरे फ्लैट से बाहर का जो रूम है और जो बालकनी है बाहर के रूम की, वहाँ से ये बाहर का व्यू है। व्यू बहुत अच्छा है बाहर का, यहाँ पर खड़े होके देखने में और सबकी एक्टिविटीज़ दिखती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। विंटर सीजन में बहुत अच्छा लगता है। बालकनी में शाम के 5 बजे तक धूप रहती है, सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू धूप रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठने में, कपड़े सुखाने में। लेकिन जब गर्मी होती है तो बहुत दिक्कत आती है मुझे, यहाँ पर आने का भी मन नहीं करता है, एकदम गर्म हो जाता है क्योंकि टॉप फ्लोर है ये, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, विंटर में धूप आती है खूब अच्छी। तो चलिए अब चलते हैं हम किचन की तरफ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पहाड़ी खाना, बहुत सालों के बाद मैं ये पहाड़ी खाना बना रही हूँ और हम खा रहे हैं, क्योंकि घर नहीं जा पाए थे, कई साल हो गए थे कोरोना की वजह से। मैं 3 से 4 सालों के बाद ही, 3-4 साल हो गए होंगे उसके बाद ही मैं अभी कुछ दिन पहले घर गई थी, तो वहीं से मैं ये सब लेके आई थी। पहाड़ी अरवी की सब्ज़ी है और मंडवे का ये आटा है, छोटे छोटे दाने होते हैं काले रंग के मंडवा, उसको हम पीस के आटा बनाते हैं और उसकी ये रोटियाँ होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ये सब्ज़ी और रोटी की रेसिपी। तो ये है अरवी, ये मैं वहाँ से लेके आई थी, उत्तराखंड गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, मेरी भाभी ने मुझे ये दिया था आटा भी और ये सब अरवी भी। तो इसे हम बॉईल कर लेंगे। देखने में ऐसा लगता है कि ये बॉईल बहुत टाइम में होंगे, मतलब बहुत टाइम लगेगा इनको बॉईल करने में, लेकिन 4 से 5 सीटी में ये हो जाती हैं। तो कुकर में डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इतना डालेंगे कि थोड़ा सा डूब जाए, आधे से ज़्यादा डूब जाए ये पानी में। तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बस अरबी डाल दिया है, पानी डाल दिया है और इसमें सीटी लगा देंगे, कम से कम 5 से 6 सीटियाँ लगेंगी इसमें। तो अरबी हमने उबाल ली है, अब इसे छील लेंगे। तो ईजिली छिल जाती हैं ये, छिलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है इनको। मार्केट की जो अरबी होती है उनको जब हम बॉयल करते हैं तो वो कुछ गल जाती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं गलती हैं, कुछ कच्ची रह जाती हैं, लेकिन ये नहीं ऐसी होती हैं, ये इक्वली गलती हैं, अंदर से बहुत अच्छे से पक जाती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये वाली अरबी। तो कट कर लेते हैं टुकड़ों में, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करूँगी मैं इनको, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं करूँगी। तो इस तरह से कट कर लिए हैं, अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो एक बाउल में हम कुछ मसाले डालेंगे, तो 1 चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के बराबर हम डाल देंगे हल्दी और नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच के बराबर डाल देंगे हम कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं 1 चम्मच के बराबर, कलर भी आ जाएगा अच्छे से और ज़्यादा तीखी भी नहीं लगेंगी। पानी डाल देते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो 1-2 मिनट छोड़ देंगे ऐसे मसालों को भीगने के लिए। कढ़ाई रख देते हैं और कुकिंग ऑयल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच के बराबर, और तड़के में हम डाल देंगे जीरा और जख्या जो हमारे उत्तराखंड में होता है काले रंग का छोटा छोटा, जीरा डाल दिया है, जख्या डाल दिया है, अजवाइन 1/2 चम्मच डाल दिया है और ये मैंने हींग डाल दी है। हींग बहुत ज़रूरी होती है अरबी की सब्ज़ी में। हरी मिर्च डाल देते हैं बारीक कटी हुई 2, और हरी मिर्च के साथ ही हम डाल देंगे मसाले जो हमने भिगोए थे। हरी मिर्च को ज़्यादा भूनेंगे नहीं, ज़्यादा भुनी हुई जली हुई हरी मिर्च अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी में। तो मसालों को हम लो फ्लेम पर बस 1 से 1.5 मिनट भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के बराबर गरम मसाला, और बस मसाले हमारे भुन गए हैं। तो अब हम डाल देते हैं उबली हुई अरबी जो हमने टुकड़ों में कट की थी। तो सभी अरबी हमने डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम को लो ही रखा है, बस मिक्स कर लेंगे। और अब इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, उबली हुई अरवी है तो बस मिक्स कर लिया है और सब्ज़ी बनके हमारी एकदम तैयार है। हरा धनिया भी ऊपर से डाल सकते हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मैंने नहीं डाला है हरा धनिया,
सब्ज़ी बन गई है, तो अब बना लेते हैं हम रोटियां। तो जो मंडवे का आटा मैं लेके आई थी उसकी रोटियां बनाऊंगी। बहुत सालों के बाद मैं ये रोटियां बनाऊंगी। मुझे आइडिया भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने ये कब बनाई थी और कब खाई थी, बिल्कुल भी याद नहीं है मुझे। तो आधा कप के बराबर डाल देते हैं मंडवे का आटा, और उतना ही हम डाल देंगे इसमें गेहूँ का आटा। दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी, नहीं तो मुझसे बनती नहीं है मंडवे के आटे की रोटियाँ। तो मिक्स करके बनाऊंगी तो मैं इजीली बना पाऊंगी। तो मिक्स हो गया है, दोनों आटा को मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम डो लगा लेंगे। मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो अब मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जैसे तैसे मैं 3 से 4 दिनों में एक वीडियो डाल देती हूँ बेमन से। व्यूज़ नहीं है तो बिल्कुल भी वीडियो पे मेहनत करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो रोटियाँ मेरी बन गई हैं, जैसे तैसे मैंने बना ली हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे इस तरह की रोटियाँ बनाने में। तो रोटियाँ बन गई हैं और सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार है, ब्रेकफास्ट मेरा एकदम तैयार हो गया है। तो ये है हमारा पहाड़ी खाना, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, अरबी की सब्ज़ी और मंडवे की रोटी। और रोटियों में थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी लगाओ तो ये और भी अच्छी लगती हैं खाने में। तो कैसा लगा मेरा यह पहाड़ी खाने का वीडियो? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।